देख रहे हैं मीडिया श्रावस्ती न्यूज़। मीडिया श्रावस्ती में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। श्रावस्ती जनपद के सोनवा क्षेत्र के शाहपुर कठौतिया गांव में चार पहिया वाहन से आए पांच बदमाश असलहा लहराते हुए घर में घुसकर किशोरी को उठा ले गए। विरोध करने पर बहन को मारपीट कर घायल कर दिया। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक आरोपी वहां से फरार हो गए। किशोरी के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। पूरा मामला शाहपुर कठौतिया के बंजारनपुरवा का है। शब्बीर अपनी पत्नी के साथ दरगाह शरीफ बहराइच गए हुए थे। घर पर सिर्फ बच्चे मौजूद थे। इसी दौरान बहराइच जिले के दरगाह शरीफ के कौशल, अंबेडकर नगर जिले के मोहम्मद अजमत, मोहम्मद फरोज, अकबर अली व बलरामपुर जिले के लाले चौपहिया वाहन से घर पहुंच गए। घर में घुसकर 16 वर्षीय मुस्कान को घसीटते हुए अपने साथ ले जाने लगे। घर पर मौजूद बच्चों ने इसका विरोध किया तो उन्हें मारा पीटा। असलहा लहराते हुए मुस्कान को अपने वाहन पर बैठा लिया। बहन खुशबू ने इसका विरोध किया तो मार पीट कर उसका हाथ तोड़ दिया। शोर मचाने पर जब तक ग्रामीण इकट्ठा होते तब तक अपहरणकर्ता किशोरी को लेकर फरार हो गया। इसके बाद बच्चों ने फ़ोन कर पिता को घटना के बारे में जानकारी दी। घर लौटे शब्बीर ने सोनवा थाना पहुंचकर तहरीर दी। पुलिस ने घर में घुसकर मारपीट व अपहरण का मुकदमा दर्ज किया है। दिन दहाड़े हुई इस घटना से क्षेत्र में लोग दहशत में हैं। वहीं सोनवा थाना अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ शर्मा ने बताया कि घर में घुसकर मारपीट व किशोरी के अपहरण का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। पीड़िता को बरामद करने व आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। शीघ्र ही किशोरी को बरामद किया जाएगा। जबरदस्ती से घर में भर के ले गए थे उसको। लड़की हमारी पकड़ लिया, उसने मारे हाथे, उसके हाथ टूट गए और जबरदस्ती से गाड़ी में पैक करके तुरंत गाड़ी लेके भागे। वो कौन से लोग थे आप उनको जानते हैं? जानते हैं। इससे पहले कोई रिश्तेदारी या संबंध में आते हैं वो लोग? नहीं थी, एक बार आए थे खाली बस। हमारी इससे कोई जानकारी? आपने आपने पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी है? पुलिस को दिया भाई। पुलिस क्या कर रही है इसमें? चल रही है, दौड़ रहे भाई, पता लगा रहे हैं, यही कह रही है। अभी कोई कार्रवाई पुलिस ने किया उन लोगों के खिलाफ? अभी कुछ किया नहीं है, पुलिस चल रही है मगर पता लग नहीं रहा उसका कहीं। आप लड़की के पिता हैं? जी हाँ, पिता है लड़की के। जी मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जैसे आप सुबह का टाइम था 11 बजे का और यहाँ पे कुछ लोग आए, 3 से 4 लोग थे और फोर व्हीलर गाड़ी थी उनके पास, और आए और गेट पे यहाँ मुहारे पे लगा दिया गाड़ी और यहाँ पे अंदर घुसे और जो बच्चियाँ यहाँ पे थी और हमारे मम्मी पापा जो है बहराइच गए हुए थे दरगाह शरीफ, और घर पे कोई नहीं था तो सिर्फ लड़कियाँ थी 2-3 हमारे घर की, छोटी बहन थी मेरी वो, और उनको आए आ करके उन्होंने मारपीट की और हमारी जो एक छोटी सिस्टर है उसका उन्होंने हाथ तोड़ दिया, बच्चे को फेंक दिया और उठा करके मारपीट की। हाकी डंडे थे, असलहे थे उनके पास और वो लोग मारपीट कर करके और बच्चियों को, हमारी एक बहन है उनको जो है गाड़ी में डाल करके वो लोग यहाँ से निकल गए। और सर उसके बाद हम लोगों ने जो है तहरीर दी है, रिपोर्ट भी कराई है, पर सर प्रशासन और पुलिस जो है आश्वासन ही दे रहा है और कोई ढंग का काम करने के लिए नहीं हो रहा है। आज 2 से 3 दिन हो रहे हैं, हमारी बहन क्या मालूम किस हाल में है, किस परेशानी में है, कैसे है, कैसे दिन काट रही है, कैसे वो मतलब अपना टाइम गुजार रही है, किस हाल में है सर, हम लोगों को कोई पता नहीं है और प्रशासन भी कोई ढंग का काम नहीं कर रहा है सर। ये समझो कि मेरा ये दिल से जो है बिल्कुल आंसू निकलने के लिए हो रहे हैं और कोई काम ढंग का नहीं हो रहा है सर। अब ये समझो कि हमारी सुनवाई होनी चाहिए, हमारा काम होना चाहिए, हमको सेफ्टी चाहिए, कानून व्यवस्था चाहिए जो हमारे लिए अच्छा काम करे और हम लोगों को न्याय दिलाए। ये आपका हाथ कैसे टूटा है, क्या हुआ है पूरा मामला बताने? वो आए, उसने गाड़ी खड़ी की सड़क से और जबरदस्ती से हमारी बहन को उठा ले गए। मैंने उसकी गर्दन पकड़ी, फिर उसके बाद हमारे हाथ पे एक डंडा मारा, हमने नहीं छोड़ी, फिर उसने दूसरा डंडा मारा, फिर हम नीचे गिर गए और लेके चल दिया।